नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरे घर में एक ख़ास नाश्ता बनता है। इसके अलावा भी अलग अलग नाश्ते तो रहते ही हैं, पर एक परमानेंटली जैसे एक बना के रख दिया जाता है स्टोर करके, वो है लाई। लाई को हम भूज कर, यहाँ पर तेल लगा के मैं लाई को भूज कर, लाई में क्या क्या डालते हैं, क्या क्या ऐड करते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और ये हम डब्बा भर कर, यानी कि ये पूरा डब्बा आपको दिखाऊँगी प्लास्टिक का भर कर हम रख देते हैं। करीब महीने भर तो ये चल जाता है, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स इतने ज़्यादा हैं तो ये महीने भर ही चल पाता है। दैट टू डिपेंड्स, अगर बच्चे उसका निकाल निकाल कर भेल बना लेते हैं तो महीने भर भी नहीं जा पाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर मैं शेंगदाना तल ले रही हूँ, स्लो फ्लेम पे तल कर फिर से एक प्लेट में निकाल लूँगी। फिर धीरे धीरे करके इसमें और इंग्रीडियंट्स डालूँगी, वो आप वीडियो में देखते रहिएगा कि मैंने क्या क्या डाला, और मैं बताते भी जाऊँगी कि मैंने डाला क्या क्या यहाँ पर। तो फिलहाल इसको तल वल के एक तरफ निकाल लेना है, और उसके बाद हम इसमें, मैं इसमें वैसे तो आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, पर मैंने बहुत बेसिक रखा है। मैं यहाँ पे सिर्फ शेंगदाना, मखाना और काजू और किशमिश यही तल के डाल रही हूँ, और नमकीन का एक बड़ा सा पैकेट लाया है, वो मिक्स करके इसे रख देते हैं हम। वैसे आप भी शेयर करना कमेंट सेक्शन में कि आपके भी घर में ऐसा कोई स्पेशल नाश्ता रहता है कि जो मतलब साल के 12 महीने आपके घर में मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ है तो ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ पर लाई तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लाई इन द सेंस मुरमुरा, जो नमकीन भी बोल सकते हैं, हम तो लाई बोलते हैं हमारी भाषा में, मुरमुरा बनाकर भूज कर रख लेते हैं। हाँ, ये सॉफ़्ट नहीं होता क्योंकि ये एयर टाइट डब्बे में है, तो ये सॉफ़्ट तो कभी नहीं हुआ है इतने सारे बनाने के बाद भी, जैसे हम बार बार खुलता है, बच्चे भी खोलते हैं, पर ये सॉफ़्ट नहीं होता क्योंकि इसको अच्छे से तल लिया जाता है इस कारण से, या जो भी कारण होगा। अभी देखिए मैं यहाँ पर मखाना डाल रही हूँ, मखाना को भी आप चाहें तो घी में तल लें, मैंने तो तेली में तल लिया है, थोड़ा सा तेल है वो तल के उसको भी एक तरफ साइड निकाल लूँगी। थोड़े से ना काजू और किशमिश ये भी डाल देते हैं लाइन में। अब यहाँ पर ना मैं लाई को थोड़ा सा चलनी से चाल लूँगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इसमें बहुत बारीक बारीक डस्ट टाइप या कचरे यानी कि गंदगी होती है, तो ये आप काम ज़रूर करिएगा, डायरेक्ट निकाल के आप तलना ये मत करना। तो मैं थोड़ा लेके फटाफट यहाँ पर तल लेती हूँ ताकि जो भी कचरा है वो नीचे गिर जाए। फिर इसके बाद इसको हल्दी डालकर और थोड़ा सा नमक, क्योंकि ऑलरेडी ये लाई सॉल्टेड होती है, यानी कि मुरमुरा सॉल्टेड होता है, तो थोड़ा सा ही नमक मैं ऐड करूँगी हल्दी के साथ, फिर इसे फ्राई कर लूँगी। लाई को छानते हुए थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। Thank you.
रेडी है नाश्ता।